नमस्कार, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR से संबंधित आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे THR को अपडेट करने में काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हमारा जो यहाँ पे पैकेट्स का ऑप्शन है वो 0 ही शो कर रहा है, 01 उनका नहीं दिखा रहा है, तो हम उसमें क्या सबमिट करेंगे। और कहीं कहीं पर तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है उसमें 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके उनके पोषण ट्रैकर ऐप में ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में 0 ही क्यों शो कर रहा है, इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का 20.6 के बाद 20.7 का जो अपडेट आया है, ये 20.6 से ही ये अपडेट आया है कि अब आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी लाभार्थी हैं उनका यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे तभी आप लोगों का जो THR है वो वितरण होगा। हालाँकि आप बिना स्टॉक रजिस्टर आप लोग यहाँ पर THR का जो वितरण है वो पोषण ट्रैकर ऐप में कर सकते हैं, लेकिन अपडेट आया है तो जो स्टॉक रजिस्टर है उसको मेंटेन जरूर करना होगा। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका बहनों को यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसको लेकर काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे कॉल भी आ रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप स्टॉक रजिस्टर को वहां पे चढ़ाएंगी तो आपका जो यहां पे 0 शो कर रहा है वो 0 नहीं शो करेगा, 01 करके आप लोग जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्टॉक रजिस्टर वहाँ पर चढ़ाना होगा, कितने लाभार्थी को आपको लाभ लेना है, कितना रिसीव हुआ है, ये सारी जो डिटेल्स है वो आप लोगों को वहाँ पर चढ़ाना होगा, तभी आपका जो यहाँ पर 0 वाला प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किस लाभार्थी को कितने दिन के लिए THR देना है वो तो आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि कई स्टेट में ऐसा हो रहा है कि 21 डे के लिए THR दिया जाता है, कहीं पे 25 डेज के लिए THR दिया जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से THR वितरण किया जा रहा है, और उनके पोषण ट्रैकर ऐप में भी जो ऑप्शन है वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को अगर चाहते हैं कि हम लोग एक ही बार में THR जितने दिन का वितरण करना है वो कर दें तो वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि 25 डेज हम लोग को यहाँ वितरण होता है, तो हम लोग 25 डेज का एक ही बार में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पैकेट्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर सिलेक्ट करेंगे, और एक पैकेट हम लोगों को यहाँ पर वितरण किया जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली एक पैकेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हम जिस लाभार्थी को THR वितरण करेंगे उसको यहाँ पे 25 डेज सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पैकेट्स में हम लोग 1 सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से जितने भी लाभार्थी हैं उनको हम लोग एक ही बार में THR वितरण कर सकते हैं। हमारे स्टेट में क्या है कि जो THR का पैसा है वो सीधे अकाउंट में आता है, उसके बाद हम लोग जो है कि लाभार्थियों को THR एक पैकेट के रूप में बना के देते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे 1 सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को 0 की समस्या देखने को मिल रही है तो आप लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जो स्टॉक रजिस्टर है उसको आप लोग अपडेट कीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि कितना आप लोगों को THR जो रिक्वायर्ड पैकेट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको रिसीव कितना हुआ है वो अपडेट करनी है। जैसे ही अपडेट करेंगे तो जो 0 वाली प्रॉब्लम आप लोगों को वहाँ पे हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। यहाँ से आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पोषण ट्रैकर ऐप में कितने लाभार्थी को लाभ मिलता है उस अनुसार आपको यहाँ पर पैकेट रिसीव करवाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो लाभार्थी हैं, जैसे कि 8 लाभार्थी को हमें पैकेट रिसीव होता है, तो 8 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक्टिंग मदर जो है वो भी 8 हमें लाभार्थी का जो है THR प्राप्त होता है। जो यहाँ पे बच्चे हैं वो कम से कम 40 बच्चों का हमें THR प्राप्त होता है। तो जिनके क्षेत्र में जिस प्रकार से THR का जो राशि प्राप्त होता है उसी अनुसार यहाँ पे आप लोग अपडेट करेंगे। ये सारा कुछ भर के आप लोग यहाँ पे स्टॉक रिसीव डेट को सिलेक्ट जरूर करेंगे कि किस डेट को आप लोगों को यहाँ पे जो स्टॉक मिला है वो आप लोगों को यहाँ पे डेट चढ़ा लेनी है। चढ़ाने के बाद आप लोग ओके करेंगे, यहाँ पे ऐड स्टॉक पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो THR है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग THR वहाँ पे एंट्री करने जाएंगे तो 0 जो आप लोगों को देखने को मिल रही है तो वो समस्या आपकी वहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में कितने दिनों के लिए THR वितरण किया जाता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको भी मालूम चल सके कि कहाँ कहाँ पर कितने दिनों के लिए THR वितरण किया जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।